नाम पेश कर रहे थे। अब आइए हजार हमारी प्रेस के लिए दो तीन नाम है, उसके बाद हाजी फिरोजाबाद का क्या नहीं रहेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त मुशायरों का बड़ा ही मशहूर व मारूफ नाम, एक ऐसी शायरा जिसे बड़ी मोहब्बत से आप सुनते हैं, मोहतरमा नखत अमरोही साहिबा से, कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से रवाना। उर्दू गजल की आबू हरिवाशमी साहब, सत्य मोहतरम जाफरी साहब, खुर्शी रजत साहब, हाशिम और दिगर शोरा। एक गजल के भाई एक मतलब दो तीन शेर पढ़ना चाहते हैं कि क्या फिकत में फैलित बहुत तवील है और जिन लोगों को पढ़वाना चाहिए था उन्हें मेरे भाई नहीं पढ़वा सके, और पता नहीं अपने आप से मुजामत नहीं की या आगा भाई मुजामत कर रहे थे उसका फिर मुझे नहीं पता। महाराज एक मतलब दो तीन शेर पढ़ती हूँ और उसका किरदार आप हैं और आपके घर आने की बेटी, मतलब बढ़ती हूँ बताए था समाप्त कीजिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। आप इस मुशायरे को टेलीकास्ट कर रहे हैं दिल्ली का एक चैनल नवकार चैनल, जो कि यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। कोशिश करिएगा कि मुशायरे को मुशायरा बनाइए। करती हूँ कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगरी, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगरी, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरे बड़े भाई मेहमान साहब बैठे हुए कह रहे थे कि माँ के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े जाते हैं, बाप के हवाले से कोई शेर नहीं पढ़ा जाता। एक बेटी शेर पढ़ती है समाज की से बात कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी मेहंदी रची, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रची, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर भी पढ़ती हूँ बतौर खास, इस शेर को पढ़ती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं किसी की बात को गम ज्यादा बात पर रोकर सुनते हैं, हंसकर उड़ाते हैं, वो बात अपने ध्यान में रखे। ये शेर समाज की जगह पढ़ती हूँ कि आंखों पर मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जंगली उठाए कोई, आंखों पर मेरे मुस्कुराए कोई, किस में जंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। एक बात और हमारे बुजुर्ग साक्षी किया करते हैं, एक बात की कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मैं शेर पढ़ती हूँ तो यकीन सी बात है कि जब किसी मुखलिस बात की बेटी है तो उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने का भी कोई हक नहीं है। शेर पढ़ती हूँ, शेर सुनिएगा कि आंसुओं पर ताज महलों का कोई
मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हबीबी नहीं। मेरे सभी बड़े मात्र खुशी साहब, हरिभाषण साहब, जाफरी साहब, सभी की दुआएं मुझे नसीब हुई और जितने भी नाशोरा बैठे हुए हैं उनकी भी, सबके नाम तो मुझे फ्रेंड में पता नहीं। बहरहाल ये शेर भी पढ़ती हूँ, ये गजल आपको कैसी लगी ये शेर बतौर खास आप सबके लिए पढ़ती हूँ, आप बताइएगा। सुनिए कि फैसला तुझको करना है सच्चाई की, देख मेरी तरफ दिल की गहराई की, फैसला तुझको करना है सच्चाई की, देख मेरी तरफ दिल की गहराई की, एक मोहब्बत किसा दा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहली है। फिर हफ्ते का शेर, यहाँ पे जितने भी वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं, बेटियों के बाप बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, दाइस के हवाले से आप तक पहुँचाते हैं, आपसे इसके बाद मिलना चाहती हूँ इंशाल्लाह। जिंदगी का फैर नहीं, फिर कभी आना होगा तो जो सुनाना चाहती थी वो भी सुनाऊंगी। मक्का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आज तक कोई नजहत को समझा नहीं, किसी का अफसोस नजहत रहेगा सदा, आज तक कोई नजहत को समझा नहीं, किसी का रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। क्या कहने